हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर्स 5 करेंगे बेटा, जो कि क्लासेस 6 to 8 के लिए है। रीडिंग एक्टिविटीज़ में आपको पता ही है समय बहुत कीमती होता है और हमारे टीचर्स हमें हर काम समय के अनुसार और हमारे पेरेंट्स भी हमारे घर में जो बड़े होते हैं हमें टाइम की कीमत समझाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें मार्गदर्शन देते हैं और काम समय पर करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आइए समय के बारे में और जानते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। फिर एक मिनट से छोटा कौन होता है? सेकेंड। एक मिनट में 60 सेकेंड, ये हम सबको पता ही है ना। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 12 घंटे के अंतराल में हम AM और PM का यूज़ करते हैं। सुबह के टाइम हम AM बोलते हैं और दोपहर के 12 बजे के बाद हम PM लगाते हैं टाइम के साथ। जैसे रात को 12 बज जाएंगे जब तक आप PM लिखेंगे, लेकिन 12 बजते साथ ही 12 बज के 1 मिनट पर आप PM की जगह AM लिखना शुरू कर देंगे। और दोपहर कब तक लिखेंगे? 11:59 तक। 11:59 तक हम AM का इस्तेमाल करेंगे। और दिन के 12:01 से लेकर रात के 11:59 तक हम PM का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए प्रातः 6 बजे की घड़ी को हम क्या कहेंगे? प्रातः 6 बजे। और लिखेंगे कैसे इसे? 6 AM, है ना। और अगर शाम को 6 बज रहे हों घड़ी में शाम के टाइम, तो हम कहेंगे 6 PM। तो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ और काम करते हैं। देखिए, समय दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसके साथ AM लिखेंगे या PM लिखेंगे। जैसे सुबह 4 बजे तो 4 AM लिखेंगे हम। फिर सुबह 9 बजे तो आप क्या लिखेंगे? 9 AM, है ना। फिर शाम 7 बजे, अब क्या बन गया? PM बन गया ये। नेक्स्ट, कुछ वॉचेस हमें यहाँ दे रखी हैं और हमें टाइम अपने अकॉर्डिंगली फिल करना है। घड़ी के साथ हम एक बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट भी तैयार कर चुके हैं। तो सुबह उठने का समय आप जितने बजे उठते हैं उस घड़ी में यहाँ शो कर देंगे। जैसे सपोज हम लिखें 6 बजे, 6 AM, है ना। तो 6 पे क्या होता है? यहाँ 6 छोटी सुई और बड़ी सुई 12 पे होगी ना। इस तरीके से आप इसे शो कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है घर पर पढ़ाई का समय। आप 9 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं या 8 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं, तो वही टाइम आप इसमें शो करेंगे। नेक्स्ट, खेलने का समय। आप शाम को 4 बजे खेलते हैं तो यहाँ लिखेंगे, सपोज यहाँ आप लिखते 4 PM खेलते हैं या 5 PM खेलते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ टाइम शो करेंगे। परिवार के साथ वक्त कितने बजे से बिताना शुरू करते हैं, मतलब जब आप ना खेलते हो और ना ही पढ़ते हो, तो आप किस टाइम करते हो ये काम, तो यहाँ पे आप शो करेंगे। नेक्स्ट, कुछ वॉचेस हमें दे रखी हैं, उसमें टाइम दिखा रखा है बेटा, और हमें नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कौन सी घड़ी में 2:30 बजे हैं? अब देखिए इसमें क्या टाइम हो रहा है? 7:45, ये 12 बज रहे हैं और ये 9:15 बज रहे हैं और इसमें 2:30 बजा है, तो इसमें लिख देंगे, हमें पता ही चल रहा है कि डी में। नेक्स्ट है घड़ी बी में कितने बजे हैं, तो आप देख के आपको मैंने बता भी दिया, यहाँ पे लिख देंगे कि इस घड़ी में 12 बजने में 2:45 शेष हैं। तो 12 बजने में 2 घंटा तो पूरे के पूरे नहीं हुए अभी, है ना बेटा। तो 12 में से 2 घटाए 10 बज गया, और 10 के बाद भी 45 मिनट और भी अभी बचे हुए हैं, तो 10 बजने से भी 45 मिनट आप पीछे चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, यानी कि 9:15। तो हमें 9:15 का टाइम चाहिए, 9:15 का मतलब 9:15, और तब जाके कितना टाइम रह जाएगा? 2:45 के बाद 12 बज जाएंगे। तो कौन सी घड़ी में ये टाइम शो हो रहा है? 9:15। तो हमारा आंसर है सी। आइए क्लॉक के ऊपर एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करते हैं बेटा। फर्स्ट पेज आपको इस तरीके से सारी डिटेल अपनी भरनी है, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, अपने टीचर का नाम, स्कूल का नाम,
देखिए, देन आपने अपना डेली रूटीन के हिसाब से क्लॉक्स बनानी है और उसमें टाइम अपने आप सेट करेंगे। जैसे एग्जांपल, टाइम टू वेक अप 6 AM, तो यहाँ मैंने शो कर रखा है 6 AM। आफ्टर दैट यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है 6:40 पे, तो आप अपने आप 6:40 इस वॉच में शो करोगे, एंड सो ऑन। सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली आपको ये अपना प्रोजेक्ट रेडी करना है।